बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी की सब्ज़ी, और इसके साथ में हम बनाएंगे पॉपलेट फ़िश। ये हम आज गांव की स्टाइल में बनाने वाले हैं, और ये रेसिपी जो हमारी है बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम इस रेसिपी को किस तरह बनाने वाले हैं। तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है आगे जाके, तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मार्केट से देखिए मैंने लाया है यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी और थोड़ा सा सोयाबीन है, और इस सब्ज़ी को हम साइड में रख देंगे, ये आज हमें नहीं बनानी है। और इसी के साथ में मैंने आज फ़िश भी ख़रीदी है, और आप देख सकते हैं कांदे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आ रहे हैं और बहुत महंगे भी हैं। सबसे पहले हम सब्ज़ी को बनाने के लिए आलू को छील लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आलू कट कर दिए हैं, इसे हम धुल के रख देते हैं साइड में। और मैं आपको फ़िश दिखा देती हूँ। तो मैंने ये पापलेट फ़िश ली है, ये बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आज हम इसकी रेसिपी भी सीखेंगे, आगे मैं आपको बताऊँगी। पहले हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो सब्ज़ी देखिए मैंने यहाँ पे साफ़ करके कट कर ली है, इसे हम धुल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर धुल लिया, इसका पानी निकलने के लिए इसे रख देंगे। अब इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च कट कर ली है, और साथ में लहसुन भी मैंने छील के रख दिया है। तेल को गर्म करेंगे और लहसुन को उसमें डालेंगे। लहसुन को मैंने हल्का सा क्रश किया ताकि उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अच्छे से इसको भून लेंगे, बस अब ये इतना इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें हरी मिर्च डाल दें, मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, थोड़ा सा ही हम इसे भूनेंगे। अब इसके अंदर आलू हम डाल देंगे, 2 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से भून लेंगे। भुनने से क्या होगा ना कि इसके अंदर एक कोटिंग सी हो जाएगी आलू में, और आलू बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। ये देखिए मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, इसके बाद में हम थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी भी डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ताकि आलू जो है वो गल जाए पानी से। इसे मिक्स कर दें, और अब हम इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो इसे मैंने ढक के रख दिया है, अब हम इसे स्लो पे रखेंगे। जब तक हमारी सब्ज़ी हो रही है हम फिश को धो लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आलू देखिए कुछ हद तक गल चुके हैं, इसके अंदर अब सब्ज़ी को डाल देंगे। सब्ज़ी हम अब इसमें डाल देंगे ऊपर से इस तरह से, और गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, उसको हम अच्छे से चलाएंगे। अब इस सब्ज़ी के अंदर से पानी रिलीज़ होगा, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे हाई पे ही रखेंगे, उसके बाद में स्लो कर देंगे। और अब हमें इसे ढकना नहीं है, इसे हम खोल कर ही पकाएंगे। तो खोल के पकाने की वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन ही रहेगा, अगर आप ढक देंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। इसे देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरह से भूना है, या आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो रहा है। अब हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है जब तक ये सब्ज़ी पूरी तरह से ना हो जाए। इसे स्लो कर देंगे और इसे हम इसी तरह से पकने देंगे। मैंने फ़िश धुलना स्टार्ट किया और ये यहाँ पे आके बैठ गई है, क्योंकि इसे फ़िश खाना है। जब भी मैं फ़िश या चिकन धोती हूँ तो कैट आके यहाँ पे बैठ जाती है। रुक जा रुक जा, अभी दूँगी, तक नहीं मिलेगा ना, ये यहाँ से नहीं जाएगी। बस ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसको चला लेंगे इस तरह से। बस 5 मिनट के बाद में हम इस गैस को बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। सब्ज़ी देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि हमने इसे कवर नहीं किया था जब हमने सब्ज़ी इसके अंदर डाली थी। तो हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब ठंडा होने के बाद में हम इसे ढक के रख देते हैं। तो हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, अब हम फ़िश की तरफ चलते हैं। तो हम इसे देखिए मैंने धो लिया है, अब लास्ट में इसके ऊपर हम नींबू थोड़ा सा डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसके ऊपर, ये इसके ऊपर नमक डाल दें, और इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे ऐसे। ये हम एक बार और इसे धुलेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी चिकनाहट रहती है ना इसके फिश के ऊपर की, ये सब निकल जाती है इससे। हमने अच्छी तरह से मसल दिया है, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे।
फिर इस तरह से हम मसल लेंगे और जो भी इसकी चिकनाहट देखिए निकल गई है इसके ऊपर हम डाल देंगे जाली पे इस तरह से। इसे हम एक बार और धुल देंगे। पानी निकलने का नीचे पर हम डाल देंगे। इसका पानी जब पूरा अच्छी तरह से निकल जाएगा उसके बाद में हम इसमें मसाला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एक कट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं फिश का मसाला मैंने जमा कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को 3 टुकड़े में कट कर दिया है और यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, ये तकरीबन 5 है, और मैंने ज़्यादा सब यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं, नमक ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है। और साथ में आप ये ब्लैक देख रहे हैं, अक्सर मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि आप ये क्या डालते हैं फ़िश में, तो ये मैंने खटाई ली है, ये होममेड खटाई है जो कि गाँव में बनती है। कैरी को जो है पहले बारीक कट करके सुखा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सूखने के बाद में इसे ग्राइंड किया जाता है, उसके बाद में इसे मसाले में भुना जाता है। लेकिन क्योंकि खटाई जब 1 साल से ज़्यादा हो जाता है टाइम, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। शुरू में ये ब्राउन कलर की रहती है, लाइट ब्राउन कलर, उसके बाद में ये ब्लैक हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लैक है, ये जो ब्लैक है ये खटाई है, इससे फ़िश का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर ये हमको डायरेक्ट इसके अंदर मसाला लगाना है तो हल्का हल्का सा यहाँ पर कट लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये छोटी सी हमें पॉकेट मिली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसमें पीसेस नहीं बनेंगे, बस ये हमको इसी तरह से इसे कट करना है। और कट करने के बाद में हम इसके अंदर मसाले को अपने पहले ग्राइंड करेंगे फिर इसमें लगा देंगे। देखिए इस तरह से सारी फिश में कट लगा देना है। कट लगाने की वजह से क्या होगा ना कि मसाला जो भी है ना अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाएगा, तो नमक भी सही लगेगा इसमें। मसाला लगाने से पहले इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और इसी के साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये इसलिए डालेंगे ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा है। हम ब्लैक खटाई यूज़ करेंगे जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, तो इसे हमने डाल दिया। इसके बाद में हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। सारे मसाले मैंने देखिए इसके अंदर डाल दिए हैं, प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, अदरक को भी मैंने कट कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। बारीक पेस्ट हमें इसका बनाना है। देखिए हमने ग्राइंड कर लिया इसे, और इसका कलर देख सकते हैं ना, ये कलर बिल्कुल रेड नहीं आया है क्योंकि हमने खटाई इसके अंदर डाली थी। सारे मसाले को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें जो लगा है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे पूरा मसाला। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, इसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर और फिर मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में ना हमें इसे रखना है, कम से कम हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो भी मसाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह से भिन जाए, उसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हम मिक्स करके पहले रख देंगे। आप चाहे तो इस तरह से हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बस हमें इसके अंदर जो ये मसाला है वो अंदर अंदर तक लगा देना है। कि हमने ये सारे मसाले इसमें लगा दिए, अब हम इसे ढक के रख देंगे। क्या करेंगे ना, ये राइस फ्लोर है ना, इसमें हम फिश को कोट करके उसके बाद में हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम एक एक फ़िश को इस तरह से देखिए इस तरह पहले कोट करेंगे, आप चाहे तो रवे में भी कर सकते हैं, ऐसे हमने कोट किया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे डाल देंगे हम यहाँ पर सारी फ़िश को, हमको इसी तरह से कोट करके फिर इसमें डालते रहना है। सबका अलग अलग तरीका रहता है, रवा से भी अच्छी बनती है, क्रंची हो जाता है ऊपर का हिस्सा, लेकिन हम यहाँ पे राइस फ्लोर यूज़ करते हैं। और गांव में क्या है कि गेहूँ के आटे से भी लगा के इस तरह से फोल्ड करते हैं और फिर इसे फ्राई करने के लिए रख देते हैं। तो हमें स्लो पे इसे फ्राई करना है और बीच में बिल्कुल भी इसे ज़्यादा चलाना नहीं है। तो जितनी एक फ्राई पैन में हम एक साथ में आ जाएगी उतनी हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 डाल दी है क्योंकि हमें पलटने के लिए भी फिर थोड़ी जगह चाहिए, तो इसे अब हम पकने के लिए यहाँ पे रख देंगे। 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, इसे थोड़ा सा हम टर्न करके देखते हैं। तो देखिए थोड़ी सी हो गई है, तो इसे हम एक बार पलट लेते हैं पहले इस तरह से, और फिर जब दूसरी तरफ हो जाएगी उसके बाद में हम दोबारा से एक बार इसे पलट लेंगे। बहुत जल्दी हो जाती है, फिश को टाइम नहीं लगता ज़्यादा पकने में, बहुत जल्दी ये गल जाती है।
तो इसे देखिए मैंने इसे तंग कर लिया है। अब हम इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए स्लो पे रख देंगे पकने के लिए। तो फिश को हम दोबारा से एक बार टर्न कर लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, आप देख सकते हैं। बस एक बार ये इसे टर्न करके गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। देखिए आप कितनी अच्छी हुई है, कलर बहुत ही प्यारा आया इसके पीछे का, बहुत ही चुरचुरी और बहुत मस्त बनी है। और इस तरह से जब फ्राई करते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर ये हमारी फ़िश एकदम रेडी है। अब इसे मैंने टर्न किया है ना, अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसे ठंडा होने के लिए हम इसी में रहने देंगे, उसके बाद में सर्व करेंगे। तो फिश हम निकाल लेते हैं, ये ठंडी हो चुकी है। इसमें देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर, तो देखिए हमने इसे निकाल लिया है। तो आज की हमारी रेसिपी देखिए बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनके तैयार हुई है। और आज मैंने आपको गांव की स्टाइल में मेथी की सब्ज़ी बनाना सिखाया है और इसी के साथ में हमने पॉपुलर फिश भी फ्राई किया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।